वेलकम करें मेरे फ्रॉडियों को और मासूम लोगों को। आपने मरने पर तू एन्ना जैसी तेरे माँ पे इकट्ठे मर गए। दानियाल साहब ये आपके क्या लगते हैं? ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जो गल कर रहे हो गड्डी का पेट्रोल सार रहे, पता नहीं कितने उतरना। मैं तो मरने वाले का मुंह वेख के कह देना भी ये मुर्दा है। मंगनी आपसे हुई है, बेगम आपकी है, ये चक्कर क्या है? तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे तू चीकू है? आस्ता 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 तो बच्चे मारेंगे तुहानू। आस्ता अजी अजी तेरी साल गिरा उस अंकल के मत्थे ते मोमबत्ती ला के कटी और मरने मरने मत्थे ते मोमबत्ती ला के। हेलो मेरे नाते तुसी मेनू गिफ्ट करते रजिस्ट्री मेरे नाते वे खाली किवें कराओगे यार? क्यों रक्षा रक्षा अरे यार मेकअप है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैंबो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना जान रैंबो और मैं आपको दी जान रैंबो शो में वेलकम करता हूं। खवातीन हज़रात जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। हाँ ना हाँ डोंकी किंग आपको याद आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को टिन करके दबाएं, आगे से आपको आवाज़ आएगी टिन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप देखें। तो आप मेरे शो को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीनों हज़रात फ्रॉड जो है जब से दुनिया बनी है तब से हो रहा है, हर वक्त होता है, पिछले सालों में भी, आजकल भी हो रहा है, आने वाले सालों में भी होते रहेंगे। लेकिन फ्रॉड से बचना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बंदा मेरे साथ किस तरह बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या इसकी नीयत ठीक है। ये भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भांप लेते हैं और कईयों को मासूमों को नहीं पता चलता, उनके साथ प्रो हो जाता है, यानी कि हाथ हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता। अच्छा जी, दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ और दो ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया। तो आइए वेलकम करें मेरे फ्रॉडियों को और मासूम लोगों को, वेलकम करें भरपूर तालियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रैंबोज अनरैंबोज शो में हमें बुलाया। जी जी, आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपने किया है? जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, त्रो हुआ है। त्रो हुआ और मैं इस तरफ आता हूँ, आपने यानी कि फ्रॉड किया है। शादी करना जुर्म है? क्या फ्रॉड है? शादी की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई चोरी डाका तो नहीं? खामद है क्या मेरा? गुनाह से बढ़कर ये बात है। रैंबो साहब है, मुंह तो किसी टाइम भी गाल निकल जाएगी, ध्यान करना। आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है आप जरा बताइए। देखिए जी, पहले तो मेरा नाम पूछे क्या, नाम क्या है आपको, किस नाम से? मैं घबरा गया था, मैं माफी चाहता हूँ आपको। मैं क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं? सर मेरा नाम दानियाल है। हेलो ना रखे, आपने आपना खुद फ्रॉड किया है। दानियाल ना बनता तेरा, और सुतियां मचा तेरा टुटा खान लिया, और तेरा दानियाल ना बनता, और तेरा ना बनता ताला ताला है क्या? मेरा परवेज भेजा, मैं सदके जावा, ए बन नहीं भेजा, ए ना आए उनका, ओए लूडो के सां ओ नाल बैठा तोडे। मेरी बात सुनो, मेरा नाम मेरे बाप ने रखा दान यार। किने रखिया? मेरे बाप ने रखा है। बाप ने लो, माँ बाप ने रखी है, मर भी तो गए ना। देखो वो तो सबने मरना है, कोई सबने मर, सबने मरने पर तू एन्ना जैसी तेरे माँ पे इकट्ठे मर गए। दानियाल साहब ये आपके क्या लगते हैं? ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। क्या मतलब? कहना मतलब है मेरे रैंबो साहब तुम्हारी मेहरबानी, मेरी जान छुड़ाओ इन्हें को। यकीन करो सवेरे 7 बजे तो लेके खजल करन ले, स्टाफ ही नहीं ज़हन च समझ आंदा किथे उतरना है इन्हें। अच्छा तुसी आप गाड़ी वाले हैं? हाँ गाड़ी वाले। पिकअप वाला है जी? पिकअप वाला है। मैंने इसे पैसे मुकाए हैं तो परेशानी रोने वाली इन्ना इन्ना गलत। तो मेरा 500 का तेल एक्स्ट्रा लगा, यकीन करो मैं तुम्हें सही कह रहा हूं। किस वजह तो? जो तो गल कर रहे हो गड्डी का पेट्रोल सार रहे, पता नहीं किथे उतरना है।15 साल पहले साल नहीं, 15 साल
आप समझ जाए ना उनका प्रॉब्लम है जुबान का। 15 साल पहले 15 साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब होती है बाद में दीदार पैदा। नहीं यार ये बात नहीं है भाई, 15 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। गाना नहीं कंबल करेगा, कल भी रहेगा। एक मिनट जियो शफी साहब जी। ओए यार गाते हुए आप फंबल नहीं कर रहे, आप आपकी शादी हुई मांगनी इनसे, मंगनी हुई थी। हाँ जी, अच्छा मंगनी हुई। मैं मुझे कहती है कि आप बाहर जाओगे, मेरे माँ बाप आपके बाहर जाने से खुश होंगे, मेरी आपकी शादी करा देंगे। 15 साल में इसके आने पर, फरखंदा के आने पर मैं बाहर जाके गंदा हुआ। मंगनी आपसे हुई है, बेगम आपकी है, ये चक्कर क्या है? देखे मेरी आज सुने अफजल बैठा के लाया हो बनाता था, तबूक मतलब ईंट बनाता था। हाँ। सर मैंने 15 साल अपने माँ बाप को ऐसा नहीं भेजा, इस फरखंदा को भेजा। ऐ गल मैनू बुरी लगी है जी, जेड़ा 15 साल च अपने माँ प्यो तो नहीं बनिया, एदा किवें बनेगा? यार मुझे समझ ही नहीं आ रही कि एक मिनट, 15 साल पहले आपके पैसे भेजता रहा, 15 साल तक। हाँ जी। और ये मंगनी कब टूटी? मंगनी जब मैंने इसको बताया 15 साल बाद कि जानू मैं वापस लौट रहा हूँ। तेरा पंजाबी च बनना, मैं आ रहा हूँ, लौट आ रहा हूँ, तेरा मुंह नहीं लौटने वाला, क्योंकि मैं आ रहा हूँ, मैं वेंदा पिया, मैं पहुंचने वाला, मैं आ गया, ऐ गल्ला कर। लेकिन अहबा भाई, जब मैंने इसको बताया लास्ट टाइम कि मैं लौट रहा हूँ, कम इन बैक, अच्छा तो मैं आ रहा हूँ, इसने कहा तेरी मेरी मंगनी टूट गई है, तो मेरा उधर दिल टूट गया। आने से पहले कह दिया कि तेरी मेरी मंगनी खत्म, टूट गई। मैं 15 साल काम करके इसको धर्म गरम गरम भेजे, और इसने तो धर्म का धर्म बरम कर दिया। ओ जा धर्म कमांदा, आप नरम जिया हो गया तू। एक मिनट जी। हाँ? आपने क्यों मंगनी तोड़ी जी? मैं एक मशरकी औरत हूं, मैं अपने खावे नु दो बच्चियां नु छड़ के देना ब्याह कर लूं। तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे तू चीकू है? आस्ता 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 तो बच्चे मारेंगे तुम्हें, आस्ता आस्ता। नहीं आप शादी शुदा थी फिर आपने मंगनी की? मंगनी पहले हुई सी, और तो बाद 10 साल पहले ऐसी ब्याह कर लिया, मेरा याद ही भूल गई, मैंने क्या इन्होंने दसना है, ये भेजी जा रहे थे पैसे, मैं क्या चलो कोई नहीं बड़े। जब तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो, बिजली का बिल ज्यादा आए, तो मुझे फोन के दानियाल, आज आखिरी तारीख है बिल की। भाई मेरी सुनो गल, बाहरले मुल्क जेड़े बैठे होंगे ने ना, वो इथे आले दे इथे ही काम आंदे, हां जी, और उन्होंने कोई मकसद नहीं होंगे। इस खातून की आपने पैसे भी खाए हैं और उन्हीं के पैसों से आपने शादी की है। सारों की शादी शादी के पैसे नहीं हुई है, ब्याह जरा वाजा बजा वो भी पैसे मेरे दे देते हैं, इधर ही देते हैं, धर्म देता तो उन्होंने मेरे को तोड़। इसका मतलब है कि आपकी मिली भगत ही आपने ये सोची समझी स्कीम के तहत ये किया। नहीं सिला मिला है कुछ इसकी दोस्ती के पीछे, तो महल बना रहे हो किसी झोपड़ी के पीछे, बदतमीज। शादी ब्याह ना रहो सब दिल मिले की गल, हां जी, दौलत पैसा जायदाद इतने कुछ अकाउंट नहीं करता। तुसी समझते हो आप ब्याह मतलब मैं कितने ब्याह किए, शादी की थी ना तुसी? हां शादी शुदा हूं। इन्हें अगे दौलत कोई मायना रख दी जिते दिल मिले हो, मुझे जो समझ आई है दिल मिले होंगे, आपने साजिश की है। हाँ। आपने इनकी पहले मंगनी करा के आपको ये पता था कि ये बाहर जा रहे हैं, मंगनी करा के आपने बदतमीज आदमी है, एयरपोर्ट पे आके कह रहे मेरी जैकेट ला दे। मंगनी हुए को 15 साल हुए, मेरी शादी को 8 साल हुए, यानी मैं मंगनी के बाद एंटर हुआ बीच में, तो मोहब्बत होगी हम तो। अच्छा मैं समझा कर रहा हूँ मंगनी के बाद पैदा हुआ, पैदा ही हुआ ना इसकी जिंदगी में, तो पैदा हुआ ना। देखो अफजल भाई
मैंने 15 साल बाद फुटपाथ पे सोए हो। ना रो ना रो जो अल्लाह ने दूर सुते हो ते जबान नु की कीता जे नहीं फुटपाथ पे सोया हूं। ये लोग गाड़ियों में सफर करते रहे, मैं वहां बसों में धक्के खाता रहा हूं। परदेश मैंने मैंने काटा, धूपे मैंने काटी, जेबे एसी में सोते रहे, जेबे भी तूने काटी, जेबे भी तूने काटी। मेरी गल सुनो तारिया साहब, तुसी काम करो, तुसी वापस कुवैत जाओ, तुसी जाके 10 12 साल लाओ, पैसे पे दो। रब का वास्ते 10 साल ला लो बेगम, मेरी कह रही है मेरे छोटे छोटे बच्चे ने स्कूल पढ़न ने, इंग्लिश स्कूल की फीसां पचाउणी ने, तेरी मेहरबानी है, वेला नवे घर नु सोसाइटी करवानी है, ते पैसे दी तू आ गया, मैं ते इस महीने ते उम्मीद लाई सी, तेरी मेहरबानी 10 साल होर ला लो, ते इतना टाइम ला लिया बेटे। आज तुम जहल जहल की हवा खाओगे, ये पिकअप वाला मैं क्यों लेके आया हूं, एडी भी मंगनी करवानी नहीं, 15 साल जो मैंने कमाया है वो मेरा सामान वापस करो। हाँ जी सुनो जानू, ये सारिया सहूलतां वापस लेने वाला केड़ा सामान है, जैकेट जुगड़ना मेरी लुआई टर में दसा। मैं तुम्हें देखूं जो बेड पे तुम सो रहे हो वो मेरा, सिंगार मेज जो है वो मेरा, डाइनिंग टेबल वो मेरा, जो गद्दे बिस्तर कंबल वो मेरे। ना भी रोज तेरा लगता उसे भाजी। अच्छा भाजी, ये तो ना लगता रोज तो। ये मेरा है, ये मेरे सेट पे है। दो हो गए हाँ जी, जी दो ही हो गए। नहीं करो, चलो यही काम है, इसी तरह ये बंदा अगर मैं दुबई में रहकर इनको 15 साल भेजता रहा हूँ तो लंदन से भी कोई इनको भेजता होगा, कोई कुवैत से भी इनको पैसे भेजता होगा, कनाडा से भी। सर आपको कह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ मस्कत तो। अच्छा ते सलाले तो। हाँ। ते अपना कतर। हाँ जी। इतो पैसे आंदे ने सानू ते या ऐ भेजदा सी। अच्छा वो पैसे भी इसी चक्कर में आ रहे हैं, मंगनियां की हुई हैं, चक्कर इंज दा ही है। अच्छा दायरा हो रहे हैं। अच्छा मुझे तो लगता है कि आपका केस भी वही है जो एक खातून पिछले दिनों निकाह पे निकाह कर जा रही थी और लूट के लेके चली जाती। नहीं 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 नहीं, असी कोई गुनाह नहीं किया, देखो मैं निकाह नहीं किया, असी मंगनी की थी, मंगनी टूट गई, निकाह तो मेरे नहीं, निकाह साडा इको ही है, लेकिन मैं वो घर सील करवाऊंगा, वो घर भी मेरे पास होगा। हां हां बेशक तेरे पैसे दा बच्चे लेके किथे जावा, निकाह जा मर्जी जाओ, बाहर में जाओ, कोई में ऐलान मार दो मुझे इसे क्या, मैं आज पहाड़ में जाओ, साडे इंसान दे बच्चे के बांदर दे बच्चे ने लेके पहाड़ ते चढ़ दी है जी, यार तक नींद नहीं तू, इंसानियत तेरे पास मेरा माल, तेरे दिल च इंसानियत नहीं बसदी, ओ तू प्यार नाल मोहब्बत नहीं करदा, ओ तू बच्चे रोल ले चलना सब, तुसी क्या सी मैनू सच्चा प्यार कर रहे हो, ओए जाओ इसका मकान भी उठा के पिकअप में रख, केदा इन ये मकान भी उठा के, ओए इधर आ मैं तेनु नाक तो फट के चपेड़ा मार दिया तन्नू, तुसी ते सही कहंदे मेरी की किस्मत है, ए तो होलिया वेख के मैं समझे कि 2000 दी दिहाड़ी लगेगी, इन दी गल्ला तो लगदा 100 पन्नियों दे के जान छुड़ानी पैणी, यार बकवास कर रहे हो मेरा, हां हां 100 रुपए का माल इनके घर में पड़ा है, केड़ा माल सब चर्स दे के गया, ये तो पिछले तो छोड़े के भी ये जिक्का खाने बैठे हुए भगवान मेरे पैसे, ए तुसी मेनू सालगिरह ते दित्ता सी, ए वापस लोगे हुण ते फस गया, ए वापस बंदा तुहाडा है बंदे वाली गल, ऐ जरा तुसी मेनू उदों गिफ्ट भेजे आ बीटीएस दा, एनू भेजे सी इन्हें मेनू पुआता, ऐ अंगूठी जिहड़ी भेजी सी इन्हें मेनू पुआती, ए हुण तुहाडी वापस लैणी बणदी है, देखो मेरी गल ते मैंने हस्ता 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 यार, एक मिनट सबर करो, यार मैंने इसको बताया कि मेरी सालगिरह है, तो उसने कह दिया कि मेरे अंकल फौत हो गए, मैं आज सालगिरह की फौत हो गए, अंकल नु की पता तेरी डेट ऑफ बर्थ है, वो फौत हो गया, चलो असि तेरी सालगिरह उस अंकल के मत्थे ते मोमबत्ती ला के कट्टी, मरे चाचे का ढिड चुके कपड़ा तो थले लिखे लिखा दानियाल, मेरा नाम भी तुमने कब्र में उतार दी, हां भेज दिता, मैं चलो पढ़ाया जाएगा यार। आपको पहले अंदाजा नहीं था कि ये लोग फ्रॉडी हैं? एहसान फरामोश है बंदा जी, एक मिनट एहसान फरामोश ये कैसे है? ए, 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 कार बना के देता, हाँ? उते रहना कोई नहीं, उते असी रहना शुरू कर देता, असी कार बसाया, कार के दा एडे कार दी राखी किने की थी, किने असी असी, अच्छा वो राखी की है, हाँ राखी सी अपने ना करवा ले, राखी नहीं
ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੜੈਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਕਚਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗਿੱਦੜ ਆਦਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਚਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਗਿੱਦੜ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ ਯਾਰ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਰ ਪਿਕਅਪ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦ ਪਿਕਅਪ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ। ਦਾਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਤੋ ਯੇ ਤਾਂ ਜਬ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਾਲ ਕੀਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁੱਡ ਵੇ ਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਏ ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ? ਦੇਖੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੋ ਮੈਂ ਯੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਥੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਤੀ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗਨੀ ਕਬ ਆਓਗੇ ਤੁਮ, ਕਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਅਬ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯੇ ਕੌਣ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਕੋ ਕਾਲ ਕੀ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹਾ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਰੋਣੇ ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਰੋਣੇ ਕੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਤੋ ਮੈਨੇ ਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸਕੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਸ਼ਿਕੰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੌਰਾ ਹੀ ਪਣਾ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ। ਤੂੰ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂ ਮੈਂ? ਅਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਕੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਕੜ। ਕਿਸਕੋ ਪਕੜੂ ਮੈਂ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੋ। ਪਕੜੋ ਐਸੇ, ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ ਲਗਾਈ ਵੀ ਤੁਮਨੇ, ਕੈਸੀ ਟਾਪੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਲਟਾ ਦੀ ਗਈ ਲੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਦੁਬਈ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਜ਼ਾਰੇ। ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਐਡਾ ਸਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੁਟਾ ਦੂੰ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤੋ ਆਪ ਆਪ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਵੇ। ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਰੋਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰੋਡ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਫਰੋਡ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫਰੋਡ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਅਦ ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸਰ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ, ਆਪ ਕਿਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਕਿਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਧਰ ਹੋ ਗਈ? ਆਪ ਗਲਤ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਹੋਣਾ, 25,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਓ ਜਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਫਲਾਓ। ਔਰ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਓਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਬਈ ਚੋਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਲੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ? ਜਾਲੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਗਾ ਧੁਆਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ? ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲੂਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇਲੇਗੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਧੋਖਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਦਾਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹਿਨ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੋ ਇਨਸੇ ਯੇ ਮਿਲਤੀ ਰਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਵੋ ਆਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ 15 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਆਪ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ? ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਡੱਡੂ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਫਾਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਤ ਲੈ। ਕਿਸਕੇ ਫਾਤਿਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ? ਕਿਸਕੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਧਰ। ਆਪਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੋਤ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਟੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ, 2 ਏਕੜ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਦਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦਾ ਜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੀ ਇੰਜ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿੱਗ ਥੱਲੇ। 1, 2, 3, 4
ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੋਰਖੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਵੈਗਨ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ तो बेटा मुझे हॉस्पिटल लेने चल वापस आना चाहूंगा मैं इन लोगों से वापस जाना मैं क्या वापस जाना था एयरपोर्ट जाओ हॉस्पिटल की करना जे ये रैम्बो साहब ये तो 2000 रुपया बिल बनता है जी मैंने 300 दियो है हमेशा लिए तुसी रखो मैंने मुझे क्या कर दिया मैंने हमेशा लिए मेरा दिन भला करो ताड़ी मेरे लेकिन यार ये दानियाल साहब आपके साथ ज्यादती हुई है आप जैसे कई ऐसे मासूम लोग हैं जो इस तरह खूबसूरत लड़कियों के चक्कर में मंगनियां करके बाहर चले जाते हैं और पैसे भिजवाते रहते हैं और ये इनकी मिली भगत है ये देखें ये आप सर मोहब्बत आप कह रहे हैं ना जी शादी के मंगनी के 7 साल बाद मिले हैं जी मुझे लगता है ये आप पहले से मिल के आपने ये प्लानिंग यानी 7 साल में सबर करके फिर दे रहे हैं कि तू मंगनी कर आपने मंगनी आपने ये सारा फ्रॉड किया है ये रैम्बो साहब तुम अपने को आईडिया लाने लग पे मैं छेती कर लो बच्चे भी स्कूलों लेने ने पागल हूं आ गया है आप ही ले मैं लेकिन तेरी भी मजबूरी जेड़ा तू आंदी वारी समान ले आया सन दे जा आंदी वारी वेखो खर्चा होया तुसी वापस लेके जाओगे फिर खर्चा होगा नहीं कोई बात मैं लक्ष्मी चौक रख के बेच लूंगा क्यों तू बहुता घटा करके जो कढ़ना कितनी मोहब्बत से दोनों मांग रहे यार आपको शर्म नहीं आ रही सारा ने सानू इतने गजाया 10 साल असि लेंदे रहे हुण ना लईए अब आपको आदत पड़ गई साडा हक नहीं वैसे बेशर्मी की भी कोई हद बच्चियां मैं क्या कहेंगे ताडे लिए खिडौने लेके आ रही हूं कौन लेके आ रहे हैं मामू लेके आ रहे हैं मामू हां अच्छा ओ ठहरो ओ लंग गया रक्षा अच्छा अच्छा दानियाल साहब आप आके होटल में ठहरे थे नहीं जी मैं की तरफ ठहरा हूं साडे घर आया सी जी होटल च वड़न देंदे नहीं नहीं क्योंकि वो भी तो मेरा था पता नहीं खा लेना साहब पर हुण मेरे नाम ते भी तुसी मेरे नाम रजिस्ट्री कराई सी तुसी इहदे नाल कराया सी नहीं अद्धा मेरे नाल कराया हां अच्छा आप रात को इनकी तरफ गए थे नहीं वो इनकी तरफ इसलिए जी वो घर मेरा जो है अच्छा तो रात को आपको पता चला कि ये मियां यही हैं जी यार वो जो पीछे से गुजरे थे शायद ये वही हैं यही थे जी और जो बच्चे रोए थे वो इसी के बच्चे थे मैं रात को बहुत रोया अच्छा क्यों मेरे अपने ही गिराती है नशेमन पे भेज दिया घर मेरा मंगनी जिससे हुई सामान मेरा सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है लेकिन आप अच्छा मेरी बात सुने सारी रात रोंदा रहे सानू सोण नहीं दिता अच्छा हां इधर बच्चे रोंदे से इधर ए रोंदे मैं एक कंप्यूटर बना के बच्चे नु दिता एक इनु दिता अच्छा अब आप जो सामान लेके आए हैं वो कितने 3 टैची हैं चार टैची हैं मेरे मैं इनको घर इनको दिया 15 साल जो कुछ काम आया वो इनको दिया मेरे 4 टैची वापस कर दे हाय 8 नंबर की जूती मेरे कपड़े मेरे अटैची का दे दे दिए देखो ना की ना छोटे बंदे वाली गल 15 साल का सारा कुछ देता घर दे मेरी बेगम ने कहा मामू खिलौने लैके आ रहे मेरे नाल होया अल्लाह किसी दुश्मन नाल भी ना करे हाँ जी इन्हें फ्रॉडिया को अल्लाह बचाए तो आपकी गलती है ना आप इनकी फैमिली में से किसी से मिले थे नहीं किसी भाई से बाप से बहन से माँ से नहीं। तो आपकी गलती है ना ये ऐसे रिश्ते थोड़े ही होते हैं रिश्ते तो दो फैमिलियों का मिलाप होता है जब तक दोनों फैमिलियां ना मिले मंगनी या निकाह ये तो करना ही नहीं चाहिए जो 5 दरिया मिल देने हाँ जी एंज दो खानदान मिल देने एंज फैमिलियां मिल एंज फैमिलियां मिल दिया ने ना रोवो
ਕੱਲਿਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਇਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਤੱਕ ਵੇਚਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਢਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੁਬਈ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। ਰਿਕਸ਼ਾ 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 ਬਈ, ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਆਪ, ਦਾਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਅਬ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਨਕੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਮਸੂਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਸੀ ਜੀਣ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਸੈੱਟ ਕਰਾਣਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੜਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਦਿਨੋ ਰਾਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਮੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਫਰਾਡੀਓ ਸੇ ਔਰ ਫਰਾਡ ਸੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਸੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲਏ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਕੋਟ ਝਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। आप देख रहे हैं जान रैंबो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।